मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। नॉर्मल हाथ धोना क्या होता है, सही तरीके से हाथ धोना किसे कहते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ओसीडी वाले हाथ धोना ही भूल जाते हैं। वो बार बार हाथ धोते हैं, यहां तक धोते हैं, कोहनी तक धोते हैं, पानी ऐसे गिराते रहते हैं, उनके पैटर्न ही अजीबोगरीब होते हैं। तो मेरे साथ सरस्वती जी हैं, पहले वो ओसीडी वाले हाथ धो करके दिखाएंगी कि ओसीडी में हाथ कैसे धोते हैं, फिर मैं नॉर्मल हाथ धो करके दिखाऊंगा और उसके बाद ये मेरी नकल करेंगी, मेरे हाथ धोने के तरीकों को फॉलो करेंगी। तो मैं पहले इनको आमंत्रित करता हूं, आप एक बार अपने तरीके से हाथ धो करके दिखा दीजिए, जैसे आप धोती हैं ओसीडी में, पहले जैसे धोते थे। हाँ हाँ हाँ, ओसीडी वाला हाथ धोना वो धो दीजिए आप पूरे कंपल्शन के साथ, कैसे करते थे। जैसे सपोज डैट ये हैंड वॉश है, हाँ, तो इसको मैं पहले लेती थी और हाँ, मान लीजिए मतलब सपोज ये डब्बा है हैंड वॉश का, तो पहले तो मैं इसको धोती थी, बिना धोए हाँ, तो छूती नहीं थी हाँ, तो पहले इसको जग से पानी गिराती थी हाँ, इधर जूम करके हाँ, हाँ, जग से पानी गिराती थी, उसके बाद हाँ, फिर एक बार मतलब हैंड वॉश ली हाँ, उसके बाद पूरा ऐसे 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 पूरा करके ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर करके दिखा दीजिए कैसे कैसे ऐसे बताते ऐसे करते हैं, फिर ऐसे ऐसे फिर उसके बाद ऐसे पूरा करते रहते थे, मतलब काफी 5-10 मिनट तक ऐसे 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 करते हैं। 5-10 हाँ, एक घंटा लगता है हाथ धोने में ये। अच्छा, मतलब 4-5 मिनट हैंड वॉश लेते हैं हम। अच्छा, ये नल चालू ही रहता है इतने? हाँ, पानी गिरते रहता है नल से। अच्छा, और आती हूँ मतलब बाथरूम से आती हूँ ना, तो 4-5 बार मतलब करते रहती हूँ ऐसे ही हैंड वॉश। ये 2 हो गया, फिर लेती हूँ मतलब, फिर उसका 3 हो गया, मान लीजिए कि 5 बार ये ले लिए। अच्छा, 5 बार करते हैं? हाँ, 3-4 बार 5 बार मतलब हो जाता है हाँ, कंपल्शन हो जाता है। और फिर उसका साबुन का ज्यादा छीटा पड़ा, फिर धोते रहती हूँ धोते रहती हूँ ऐसे ऐसे, फिर पड़ गया अगर पानी का छीटा नीचे से हाँ, हाँ, तो मेरा तो वेशिंग नहीं लगा हुआ है अभी हाँ, बाथरूम में नल है तो ऊपर छीटा जाता है तो पड़ता है, जहाँ हाँ, भी पड़ता है पूरा ऐसे करके धोते, पूरा कपड़ा तक मेरा भींग जाता है आधा दूर से ऐसे पूरा, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे पैर में पड़ जाता है, तो पूरा पैर को भी आधा दूर से धोते रहती हूँ। अच्छा, पैर भी धोते हैं? हाँ, पैर पे पड़ जाता है तो पैर भी धोते रहती हूँ ऐसे, पूरा पानी गिरते रहता है और हम धोते रहते हैं, जिसकी वजह से काफी मेरे हस्बैंड से भी झगड़ा हो जाता है बहुत ज्यादा। धोते रहते हैं, पैर में पड़ जाते हैं, पैर भी इधर से सब धोते रहते हैं, जिस कारण पैर भी पूरा सड़ गया। दिखा दे पैर, देखो अब यहाँ कल से यहाँ ये पैर धो धो करके इन्होंने ये चमत्कार कर दिया, पैरों का भी पता नहीं स्किन खराब हो गया, ब्लैक हो गया। तो आज भी धोए थे क्या? ये नहीं, पूरा ब्लैक हो गया, अब तो सूख गया, ठीक हो गया, नहीं तो रेड था। अब पानी मत लगाना पैरों के। हाँ, अब तो ठीक हो जाएगा। चलिए अब मैं नॉर्मल तरीके से हाथ धो करके दिखाता हूँ। जी सर, बिल्कुल बताइए। तो मेरे को बाहें आपको भी साधारण आमंत्रित है कि बताइए कि हम कैसे फिर धोएं। तो पहले मैं नॉर्मल तरीके से बता देता हूँ, फिर साबुन का भी बता दूंगा। वैसे मैं साबुन से तो कभी धोता नहीं। बता दीजिए फिर हम नॉर्मल तरीका क्या आ जाएगी। ये है, ये धो लिया, बस 2-3 सेकंड बस ऐसे ऐसे हैंड वॉश लिया, फिर ऐसे करके बस धो लिया। ज्यादातर तो हम ऐसे ही पहुँचते थे पहले, तो मैं तो ऐसे अगर छीटा भी पड़ गया तो उस पर हाँ, छीटा देखो साबुन से धोना होता तो कैसे धोते हैं। साबुन लिया, ये साबुन लिया, ये किया, ये साबुन कर गया, ये 2-3 सेकंड में हाथ धुल। वैसे नहीं धोते थे हम, पूरा जो फिंगल है ना, फिंगल का जो गैप से हाँ, फिंगल के पास जो गैप से उसको भी पूरा ऐसे ऐसे रगड़ते। ये देखो मेरे छींटे भी गिरे हैं, तो छींटे गिरने से कुछ नहीं होता, ये तो मेरा भीग गया। ऐसा नहीं कि जो गैप है उसको भी पूरा करते थे ना सर, ऐसे ऐसे नहीं करना होता, यहाँ पे व्हाइट व्हाइट हो जाता था, मतलब पूरा स्किन खराब हो जाता था। ऐसे नहीं करना होता, ऐसे से पूरा वो घुमाते रहते हैं ना ऐसे ऐसे। हाँ हाँ हाँ, पूरा मेरा कपड़ा यहाँ तक भींग जाता था, यहाँ तक भींग जाता था, लगता था कि नहा ली हूँ मैं आधा। फिर पैर देखो, पैर पे छींटे गिरे, पैरों को धोने की जरूरत ही नहीं है, जब हाथ धो तो पैर साथ में धोने ही नहीं होते। जी सर, तो ये नॉर्मल तरीका है। तो अब आप नॉर्मल तरीके से मुझे धो करके दिखाइए। पहले पैर मिट्टी के हाथ कीजिए, मिट्टी में हाथ लगाइए उधर, हाँ दिखा दीजिए, हाँ मिट्टी में हाथ करते हुए हाँ। तो अब नॉर्मल तरीके से धो के दिखाइए, बिना साबुन धो सकते हैं या साबुन लेना जो आपकी इच्छा। एक बार ले लेती हूँ सर, तब तो पता। एक ही बार धोना, दोबारा साबुन नहीं लगाएंगे। हाँ, वेरी गुड, बस हो गया। तो अब आपने चप्पल भी नहीं धोए? नहीं। तो ये है नॉर्मल तरीका हाथ धोने का। इधर आ जाइए। तो अभी सरस्वती जी ने नॉर्मल तरीके से हाथ धोकर के भी दिखाए और ओसीडी वाले हाथ धोकर के भी दिखाए, तो अंतर इनको भी पता लग गया, आपको भी पता लग गया। तो अब इनसे पूछते हैं इनका फीडबैक, इनका अनुभव, दोबारा हाथ धोए तो इनको कैसा लगा।
जी सर, आप जैसे बताया तो काफी समय भी बचा, पानी भी बचा, हैंडवॉश भी बच जाएगा। हाँ। और झगड़ा से भी बच जाएगा, सब चीजों से बचाव हो जाएगा, नहीं बोलेंगे कुछ भी। चलिए, अब आपने इसी तरीके से हाथ धोने हैं। बिल्कुल सर, रोज 21 दिन यही प्रैक्टिस कर। सही से कैसे हाथ हो जाता पता चल गया तो वैसे ही धोएंगे ना। बस बस, अब आपको सही तरीका पता चल गया जी सर, तो आपके हाथ धोने की ओसीडी तो गायब। अब ब्रश की भी, ब्रश की भी गायब, नहाने की भी, कपड़ा धोने की, नहाने की भी गायब, कपड़े धोने की भी गायब, और ये सड़क पे गिरने की भी गायब। और अभी थोड़ी देर में नाली वाला करते हैं, अभी 10 मिनट के बाद नाली का एक्सपोजर करवाते हैं। तो नाली का कराएंगे नहाने के बाद, ठीक है, पहले नहाना होगा। तो नहाना कितनी देर में है आपने? जैसे कल नहाए थे वैसे नहा लेंगे। अभी कितने समय बाद नहाने की इच्छा है? अभी नहाएंगे थोड़ा, आधा घंटा तक। आधे घंटे बाद नहाना स्टार्ट करना है, उसके बाद नाली वाला करेंगे, उसके बाद कपड़े धोने वाला भी करेंगे, सारे करेंगे, ठीक है। कपड़े धोने तो सर कल बताए थे। हाँ, दोबारा से बताएंगे। चलो, कपड़े धोने वाला आपकी इच्छा है, करना चाहो, नहीं तो और बता देंगे। बर्तन वाला? हाँ, बर्तन वाला। बर्तन वाला जब हम खाना खा लेंगे तो बहुत सारे बर्तन होंगे, तो उन बर्तनों को धो के दिखाएंगे, ठीक है। नहीं, बस एक प्लेट भी धो। दो तीन तो दिलवाएंगे ना आपसे, हमारा काम तो आसान। धो लेंगे हम, बाकी हाँ। आप एक प्लेट, हम एक प्लेट धो के दिखाएंगे, बाकी हाँ सारा दिलवाएंगे। हम धो ही लेंगे, हम कहाँ बोल रहे हैं नहीं धोएंगे। चलिए, अभी ये बता देंगे सिर्फ सर, एक प्लेट धो के ऐसे धोना है, बता देंगे, उस बार फिर हम धो लेंगे, चाहे जितना भी बर्तन हो सारा धो देंगे। तो अभी वॉशरूम भी हमारा फ्री है, नहान घर भी, तो आप 15-20 मिनट में नहाने के लिए रेडी हो जाएं। 15-20 मिनट बाद नहाएंगे, और नहाने का तरीका मैं एक बार फिर से बता दूंगा, ये प्रोमिला जी भी बता देंगे, तो उसके बाद आप नहा लेंगे, ठीक है। कल भी आपने बहुत कम, पता चल गया। चलो, एक बार मैं फिर से बता दूंगा, है, चलिए, ओके, जैसे आपकी मर्जी। तो 10 मिनट बाद मिलते हैं। मानो तो मौज, वरना समस्या तो हर रोज है। हर रोज है।